अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी अम्मी ने आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर किया है, पालक के पकौड़े, जो कि बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनकर तैयार होता है, सुपर क्रिस्पी, एकदम बाजार जैसे। अगर रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हम पालक की भाजी को इस तरीके से चॉप करके डाल देंगे। पालक की भाजी की जो डंडी होती है उसे सेपरेट कर लेना और इस तरीके से हमें मीडियम चॉप कर लेना है। एंड नेक्स्ट हम पालक में 2 कप बेसन डाल देंगे। इसी कप से हमें सेब मेजरमेंट से हिसाब से बेसन का आटा ऐड कर लेना है। नेक्स्ट 3 से 4 हम हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर लेना। 1 टीस्पून हम अजवाइन ऐड कर लेंगे एंड 1 टीस्पून हम धनिया ऐड कर लेंगे दरदरा कुटा हुआ एंड 1 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक डाल देंगे इस तरीके से चॉप करके। एंड साथ ही साथ इसमें हम प्याज डाल देंगे, 1 बड़ा प्याज इस तरीके से चॉप करके। थोड़ी सी कोथमीर भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम ड्राई पाउडर्स ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे हम, ताकि सारी चीज़ अच्छे से मर्ज हो जाए। अभी नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अभी हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका अच्छा से एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। देखिए मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी लास्ट में हम थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर लेंगे। अभी नेक्स्ट इसमें हम चावल का आटा ऐड कर लेंगे, ताकि पकौड़े एकदम क्रिस्पी बने। तकरीबन 2 चम्मच चावल के आटे को हमें लास्ट में ऐड करना है एंड हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए पालक का मिक्सचर अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट इसे हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन या फिर एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे, जितने कि हमारे पकौड़े डीप हो जाए। अच्छे से ऑयल गर्म होने के बाद हम पकौड़ों को डाल देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हम सारे पकौड़ों को डिप कर लेंगे तेल में। अच्छी तरीके से हम इसे क्रिस्पी होने तक, गोल्डन से ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसे फ्लिप कर लेंगे, ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। मेक श्योर कि हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। देखिए ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं पकौड़े। अभी हम इसे निकाल लेंगे, पकौड़ों में से अच्छे से ऑयल ड्रेन कर लेंगे, सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम सेकेंड बैचेस भी फ्राई कर लेंगे पकौड़ों को। सेम प्रोसेस में हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है मीडियम हाई फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी एकदम गोल्डन से ब्राउन कलर आ गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। सेकेंड बैच भी हमारी रेडी है। अभी हम सर्व कर लेते हैं पकौड़ों को। देखिए फ्रेंड्स पालक के बहुत ही चटपटी से हेल्दी से पकौड़े बनकर के तैयार हो गए सिर्फ 10 मिनट में। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी बटन प्रेस कर देना, ताकि आपको चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।